धन्यवाद, बड़े शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, बड़े अफसोस के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक योजना प्रधानमंत्री जी लाए नरेंद्र मोदी जी, जिसकी घोषणा 7 नवंबर 2015 को कश्मीर में की गई, जब 80,000 करोड़ का पैकेज फ्लड विक्टिम्स को दिया गया, उसमें 2,000 करोड़ रुपया मेरी बिरादरी के लिए भी था जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए, और कहा यह गया कि इनको 5.5-5 लाख रुपया मिलेगा और वो योजना 3 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार पूरा करेगी। लेकिन 6 साल बीतने के बाद, हालांकि पैसा 2016 में आया, घोषणा 2015 में हुई, 2016 से लेकर आज तक आप देखें कि आधे लोगों को भी राहत नहीं मिली, और कुछ लोगों के केसेस पास होकर होम मिनिस्ट्री में पड़े हैं, कुछ के डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पड़े हैं, कुछ के प्रोविंशियल रीएप्लीकेशन ऑफिसर के पास पड़े हैं ताकि इन लोगों को राहत मिले। लेकिन एब्रप्टली बिना स्टेक होल्डर से बात किए सरकार ने इस योजना को रोक दिया। कोई जवाब वो नहीं दे पा रहे कि आखिर प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजना को आपने कैसे रोक दिया। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई योजना लाते हैं, अगर उनका कोई सपना है और अधिकारी उसको सैबोटेज करें, उसको रोकें, इतनी हिमाकत हो रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पत्र का जवाब नहीं देते, हमारे टेलीफोन तक का जवाब नहीं देते, और मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो तबाही हुई है, हालांकि मैंने ये कहा था कि मेरी बिरादरी को ना तो 370 से कोई नुकसान था, ना 35A से नुकसान था, क्योंकि हम तो बोनाफाइड सिटीजन है जम्मू कश्मीर के, लेकिन फिर भी हमने इसको हटाने के लिए समर्थन किया। इसलिए समर्थन किया क्योंकि हम चाहते थे कि शायद कोई अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसके हटने के बाद अब बैड टू वर्स हो गया, हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। तो इसलिए हमने मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सरकार के कान खोलने के लिए, कि हमें मजबूर ना करें कि हम दोबारा सड़कों पर उतरें और उसी आंदोलन को दोबारा दोहराएं जो हम करते रहे, और इसलिए आप बाज आ जाओ, आप कम से कम इस योजना को दोबारा पुनः शुरू करो। इसके अतिरिक्त 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की बंदूक से पहली गोली चली, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली, और हम उस दिन को हर साल काला दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस बार भी हम मना रहे हैं काला दिवस के रूप में। इसका आयोजन हमारे इस कार्यालय के बगल में ये कृष्णा पब्लिक स्कूल है, वहां पर किया जाएगा। शनिवार का दिन है 22 अक्टूबर, हर साल हम करते हैं। मेरे पूरे जम्मू कश्मीर से जितने भी विस्थापित हैं वो सारे वहां जुटेंगे, वो लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन देंगे, जिन लोगों ने इस रियासत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी और अपना सर्वस्व लुटा दिया। ये सारी चीजें जो हैं आज हमने इसलिए की हैं, और हम उम्मीद करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज मीडिया के माध्यम से कि वो हमारी बात को सुने और इन लोगों के साथ इंसाफ करे। जो योजना हमारी रुकी पड़ी है, जिस तरीके से आपने हमारे जो फॉर्मेलिटीज हैं उनमें जो अड़ंगा लगाया अधिकारियों ने, और आप देखें, आप हैरान होंगे, आज भी ये कई लोगों से स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हैं। हालांकि स्टेट सब्जेक्ट कानून 5 अगस्त 2019 को आपने अबॉलिश कर दिया, और खुद ही अबॉलिश किया, हमने नहीं किया। अगर अबॉलिश करने के बाद भी हमसे स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हो, हालांकि हमें दिक्कत नहीं है, हम स्टेट सब्जेक्ट लोग हैं, लेकिन मेरे कई लोगों ने नहीं बनवाए थे क्योंकि उन्होंने नौकरी नहीं की, बेचारे दिहाड़ी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, उनको स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। हमने इनको कहा, भाई साहब आप डोमिसाइल ले लीजिए, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको डोमिसाइल में, लेकिन आप डोमिसाइल पे नहीं मान रहे, आप बाकी चीजों को नहीं मान रहे। तो ये जो छोटी छोटी आपने वहां पर अपने अडंगे लगाए हैं, इस कारण से इस योजना को आपने विफल किया है, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पूछना चाहिए जम्मू कश्मीर की सरकार को कि आखिर इस योजना को आपने विफल क्यों किया, इसके पीछे कौन सी ताकतें थी, कौन से लोग। थैंक यू।